ऋषि, तुम ठीक हो ना? यू आर फाइन राइट? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? फोब आंटी, ऐसे तुम्हें अपने हाथ से खाना खिला रही थी ना, तो मुझे लगा कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई वो बलविंदर से लड़ते लड़ते। बलविंदर? हाँ। ये क्या कह रही है मलिष्का ऋषि? क्या कह रही है मुझे नहीं पता मॉम। हाँ आंटी, कुछ भी नहीं हुआ मॉम, बस ऐसे ही कुछ। अरे कुछ भी कैसे नहीं हुआ, ऑफकोर्स आंटी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है वहाँ पे। वो बलविंदर है ना जिससे लक्ष्मी शादी करी थी, वो भी आया हुआ था पार्टी में, और पता नहीं क्या लक्ष्मी से जबरदस्ती करके उसको साइड में लेके जा रहा था। आई थिंक होली खेलनी होगी। मलिष्का बस यार। पर आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे अच्छा लगा कैसे तुमने लक्ष्मी को बचाया ना। आंटी थोड़े टाइम में ना मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी जब ऋषि और बलविंदर की एक्चुअल फाइट होने लगी थी, लाइक रियली बिग फाइट। बट मुझे पता था कि ऋषि को कुछ नहीं होगा, लेकिन टेंशन तो होती है ना। इसने अपनी खुद की जान खतरे में डाली और लक्ष्मी को बचाया। आंटी मलिष्का क्या सच कह रही है? इज इट ट्रू? मॉम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऋषि कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा रिस्क नहीं ले सकते तुम। बलविंदर वहाँ पे, पुलिस को बुलाया जा सकता था वहाँ पर, और लोग भी थे, तुम अकेले थे क्या वहाँ उस पार्टी में? मॉम लेकिन आप समझ। ऋषि बस, किसी के लिए भी अगर एक खरोच भी आ जाती ना तुम्हें तो हमारा दिल। मॉम लेकिन आप मेरी बात तो। हमें कुछ नहीं सुनना ऋषि, तुम क्या हो हमारे लिए तुम समझ भी नहीं सकते। उस लक्ष्मी के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। I don't know how to make you understand. Mom, I'm sorry and I understand what you're saying. बस, हमने जो कहना था कह दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। Auntie, please relax. मैंने कुछ नहीं किया ऋषि, तुमने अपनी लाइफ खतरे में डाली, वो भी उस लक्ष्मी के लिए, तो ये सब तो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। चल चल, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, वहाँ तो ये चल, छोड़ो, छोड़ो, भास्कर, कुर्सी क्या है, सर पे बिठाओ उसे, छोड़ो मुझे, बेवकूफ आदमी, बिठाई, चल, चल, बैठ, छोड़ो, बैठ, छोड़ो मुझे, बैठ, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो बलविंदर, छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले खुद बच ले, मुझे जिंदा बाद में छोड़िए। इसके मुंह में ना कपड़ा ठूंस, पिछली बार मेरे और लक्ष्मी के बीच में ना बहुत मचमच कर रही थी, बहुत शानी कर रही है, नजर रखिए उस पे, कभी भी उड़ जाएगी। आ रहा मैं अभी। हाँ हेलो, हेलो बल्लू, स्पीकर पे डालो ना। हाँ सुन बल्लू, तू पहुंच गया कि नहीं, कि अभी भी रास्ते में? इस बार उखाड़ दिए तंबू और गाड़ दिए झंडे, काम 25 कर दिया मैंने। हाँ क्योंकि मैं तेरे आसपास नहीं फटकी ना, दूर रही तुझसे, वरना दोबारा तू मुझे ही उठा के ले जाता। स्लोली स्लोली, माउथ क्लोज, डोर क्लोज, कोई नहीं आसपास, टेंशन मत लो। सुन तो पहुंच गया ना? मैं तो यही हूँ अड्डे पे, पड़ी आपकी कबूतरी अंदर। अरे तो मुहूर्त निकलवाएगा क्या, फोन करना लक्ष्मी को, और सुन लक्ष्मी से ना 50 लाख रुपए मांगना, 1 रुपया भी कम मत लेना उसे। अरे वो नीलम उस दिन 50 लाख रुपए तो लेके आई थी, और सुन लक्ष्मी को बोलना कि अगर पैसे नहीं दिए ना तो तू तो उसकी बहन के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ अब क्या, सारा ज्ञान आप ही बांट दोगी हैं? मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, आप ही कर लो सारा काम। मुझे अपनी बुद्धि लगाने दिया करो, अभी फोन नहीं कर रहा मैं, अभी फोन करूंगा रात को, तब आएगा मजा। रात को कोई नहीं मिलने का उसे मदद करने के लिए, तब आएगी फड़फड़ाती इधर उधर, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी रुक जाओ। ओए बेवकूफ, ये कोई जल्दी नहीं है, तो फोन कर उसे। बेवकूफ मत बोल देना, तुम्हारा लेके नहीं खा रखा, सारा काम मैंने किया, उठाया मैंने, और तुम्हारा ऑर्डर सुनू, नॉक करूंगा तुम्हारा है, चलो कटो।